राजपुर जिले से जोबट विधायक सुलोचना रावत के दौरे के बाद प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में आया। विधायक की खबर का दिखा असर। जोबट में डोही नदी पर निर्माणाधीन पुल को लेकर कुछ दिन पहले प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की गई थी। ठेकेदार का कहना था कि बजट में कमी की वजह से पुल का निर्माण रोक दिया गया है। वह अतिरिक्त राशि स्वीकृत होने के बाद ही अब पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो पाएगा। बता दें कि पुल का टेंडर 3 करोड़ में पास हुआ था, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि पुल बाजातवकी को राशि स्वीकृत हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है। वह राशि में पुल का केवल ढांचा ही तैयार हो पाया है, इसीलिए पूरा काम करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिसके लिए रिवाइज एस्टिमेट बनवाकर राशि स्वीकृत करने की मांग की गई है। उक्त राशि स्वीकृत होते ही काम 2 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। इसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद ही क्षेत्र की विधायिका सुलोचना रावत ने यहां 31 अक्टूबर सोमवार को पुल का दौरा कर पुल के घटिया निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए थे। वह इसकी शिकायत भोपाल व अलीराजपुर कलेक्टर को की थी। इसी तारतम्य में आज जोबट SDM देवकीनंदन सिंह, तहसीलदार आलोक वर्मा, CMO आरती खेड़कर ने यहां का दौरा कर ठेकेदार व इंजीनियर को बुलवाया गया। वह काम जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। इस पर ठेकेदार ने कहा कि 2 महीने में काम पूरा कर देंगे। राजधानी समाचार से मोहन चौहान की खास रिपोर्ट। गाड़ियाँ चल रही है, खाली यही है, गाड़ियाँ घोड़ा चल रहा है, ये भी बना है, तो इसमें एक जो भारी अपग्रेड आने जाने का रास्ता परमानेंट, उसको तो अगर सर अपना डबल वाला मतलब 4x4 है, 2-4 दिन हाथी के लिए हम 3.5 देते हैं, उसको पास करने के लिए कैटल अंडर पास, उसमें 0.5 अभी भी ज्यादा है, आसानी से कोई नो प्रॉब्लम। और ये कब तक कंप्लीट कर देंगे, क्या होगा ये, कम से कम आवागमन तो शुरू हो जाए, है ना, आगे कभी इसमें ब्रिज के ऊपर पानी नहीं आएगा, इस हिसाब से नक्शा बना। व्यापारी लोग काफी व्यापारी काफी लेट होगा, काफी लेट हो गए तो अब जल्दी हो जाएगा। लेट के कारण कितना समय लगेगा? 1 महीना पूरा लगेगा मैडम। सर आपके ठेकेदार तो 2 महीने बता रहे सर, 2 महीने बोल रहे हैं। सर अभी SDM साहब 15 दिन का बोल के गए, SDM साहब 15 दिन का जल्दी से जल्दी करेंगे भाई, हम जनता को कब तक मीटिंग करके कब तक मीटिंग कर लेंगे, इसके बाद नंबर फोन उठा दो। सर सर शुभ नाम क्या है? विधायक के द्वारा कल इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही आपकी बताई गई और आपके जो काम है उसके भी कई सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे उसे लेकर आप? काम विभाग द्वारा अनुमोदित ड्राइंग लाइन लेवल और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ है, काम में कोई लापरवाही नहीं है। उच्च स्तरीय पुल है जो भविष्य में यातायात बंद ना हो, वो हिसाब से बनाया गया है। जिस प्रकार से ये जो काम चल रहा है कहीं ना कहीं उसमें भी लापरवाही उन्होंने बताई, धूल के चक्कर में जो होटल है वहाँ पे भी लोगों के यातायात के लिए डाइवर्जन का प्रावधान किया गया है। लोग चालू काम में चल रहे हैं, अभी काम चालू है तो मतलब धूल तो उड़ेगी थोड़ी बहुत, तो वो तो अभी तो कच्चा रोड है। क्या जो विधायक जी ने आरोप लगाया उसको खंडन करते हैं आप? बिल्कुल खंडन करते हैं। क्या नाम आपका? रतिलाल कनेरिया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।